हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पप्पू करियर गाइड, अ कंप्लीट गाइड फॉर ऑल योर करियर नीड्स। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो हम लोग देखने वाले टीसीएस का पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग, मतलब कि ऑफर लेटर एक्सेप्ट करने की बात से लेकर टीसीएस प्रोजेक्ट एलोकेशन, आपको टीसीएस किस तरह से आपको प्रोजेक्ट एलोकेट करती है, किस तरह से आपको प्रोजेक्ट में काम करना होता है, उसका जर्नी क्या होता है, कितने स्टेप्स आपको करने पड़ते हैं और कुछ कुछ आपको एग्जाम देने पड़ते हैं, सारे की सारी चीज़ को मैं यहाँ पर पीपीटी फॉर्मेट में आपको दिखाने का ट्राई करूँगा। आप लोग ट्राई करो कि पूरे वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि अभी जो मैं नेक्स्ट स्लाइड लाने वाला हूँ वो एक मैंने अभी खुद से बनाया है, बहुत टाइम लगा बनाने में। तो यह वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फिर अभी हम लोग जो बात करेंगे वो है पर टीसीएस अपडेटेड ऑफर लेटर एक्सेप्टेंस टू प्रोजेक्ट एलोकेशन फुल प्रोसेस के बात करेंगे। अब हम लोग आगे बात करते हैं, लाइक यहाँ पर आपको फिर आपको पता हो टीसीएस में जाने का जो फ्रेशर्स लोग जाते हैं वो दो तरह से जाते हैं। बेसिकली टीसीएस का जो कोड वीटा होता है उसको टीसीएस एनक्यूटी होता है, और एनक्यूटी आपको पता है कि 3 से 4 मंथ में बार बार ये कंडक्ट होती है, कभी फरवरी, मार्च, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में। बेसिकली वो अक्टूबर में क्या करती है, बेसिकली फाइनल ईयर को वो हायर करती है, चाहे वो बीएससी से बिलोंग करते हो या फिर बीटेक से बिलोंग करते हो। तो दोनों तरह से जो भी टीसीएस में आता है तो ये दोनों प्लेटफॉर्म से फ्रेशर्स को टीसीएस हायरिंग करती है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। पहला आपका देखो पहला स्टेप्स होता है कि पहले आपको एनक्यूटी क्लियर करते हो, फिर आपका इंटरव्यू होता है, फिर आपका ऑफर लेटर जनरेट होता है। इसके बीच में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। अगर आपको इस सारे के सारे स्टेप्स को देखना है तो मैं अपने वीडियो का लिंक अपने आई बटन में या फिर मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जगह वहाँ पर देख लीजिएगा। फ्रेंड, उसके बाद आपका क्या होता है, जॉइनिंग लेटर जनरेट हो जाता है। उसके आपको देखने मिले जब आपको ऑफर लेटर आ जाता है, उसके साथ में देखेंगे तो आपके सामने कुछ टेप्स ओपन हो जाते हैं, जैसे कि आपका देखने को मिल जाता है आईएलपी कॉर्नर, बैकग्राउंड और सर्टिफिकेशन डिटेल्स, और उसके बाद होता है आपका अपडेट प्रीफर्ड लोकेशन। ठीक है, ये सारे के सारे आपको जो ऑप्शन है आपको देखने को मिल जाते हैं। तो फिर बात करते हैं हम लोग पहले आईएलपी कॉर्नर के बारे में। तो अब बेसिकली आईएलपी कॉर्नर होता है क्या, आईएलपी आपका एक इनिशियल लर्निंग प्रोग्राम होता है, जो आपको कंपनी जब कंपनी की तरफ से जो ऑफर लेटर आ जाता है, तो ऑफर लेटर आने के बाद जो आपको जॉइनिंग लेटर आता है उसमें आपका आईएलपी के बारे में सारा कुछ मेंशन रहता है। जैसे आप बात करो कि आईएलपी कॉर्नर का, तो यू हैव टू जनरेट, अब आपको पता होगा जैसे आप लोग आईएलपी में सेक्शन पे क्लिक करते हो तो वहाँ पर आपको एक एनएसआर पिन जनरेट करना पड़ता है। एनएसआर पिन के ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, मैं उसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे या फिर आई बटन में दे दूंगा, आप लोग जाकर देख लीजिएगा कि आपको किस तरह से अपना एनएसआर जो है जनरेट करना है। अगर आप जब तक आप एनएसआर जनरेट नहीं करोगे आपका जो आईएलपी है वो आपका शेड्यूल नहीं होगा। बेसिकली ये आपका जो जब आपको ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है उसके आपको ऑफर लेटर आने के ठीक 15 दिन बाद जब आपको जब जॉइनिंग लेटर वगैरह आ जाता है, जो जॉइनिंग डेट रहता है उसके पहले आपको ये कंप्लीट करना होता है। हम लोग आगे बात कर लेते हैं, देखेंगे मैं नीचे लिखा हुआ कंप्लीटेड बिफोर 15 डे ऑफ जॉइनिंग डेट, मतलब आपको जॉइनिंग डेट के 15 दिन पहले आपको ये कंप्लीट करना पड़ता है। मतलब जब आपको जॉइनिंग लेटर आ जाता है उस समय आपको जो है एनएसआर पिन जनरेट करना होता है, और उससे आपको एक आईटी पिन मिलता है, उससे आपको वहाँ पर डालना पड़ता है आईएलपी कॉर्नर में। आगे बात करते हैं, फिर आपको पता होगा कि उसमें जब आप लोग एनएसआर डिक्लेरेशन फॉर्म भी करते होगे तो ये आपको कुछ इस तरह से फॉर्म देखने को मिलता होगा। बेसिकली एनएसआर डिक्लेरेशन फॉर्म क्या होता है, बेसिकली एनएसआर को हम बोलते हैं नेशनल स्किल रजिस्ट्री, जिसमें आप लोग को क्या करना पड़ता है, आप लोग को वहाँ पर रजिस्टर करना पड़ता है। आप किसी भी कंपनी में, चाहे आईबीएम में जाओ चाहे सेंचर में, आपको सभी कंपनी में आपको एनएसआर का जो आपका 12 डिजिट का पिन आपको जनरेट करना होता है। तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप लोग जरूर उसको एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। आपको वहाँ से बेसिकली जनरेट करना है, फिर आपको आईटी पिन पर सबमिट करके क्लिक कर देना है। फिर आगे बात करते हैं हम लोग बीसीजी कॉर्नर के बारे में। तो बीसीजी बेसिकली आपका बैकग्राउंड चेक फॉर्म होता है, जो कि आपका कंप्लीट या आपको कंप्लीट करना पड़ता है जॉइनिंग डेट के 15 दिन पहले, मतलब कि जब आपका ऑफर लेटर आ जाएगा, जॉइनिंग लेटर आ जाएगा, तो जॉइनिंग लेटर में आपका जॉइनिंग डेट मेंशन होगा। ठीक है, उस समय क्या होगा कि बेसिकली आपको जॉइनिंग लेटर आने के समय ही आपको बीसीजी का सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कंप्लीट कर लेने हैं। आप लोग तभी कंप्लीट करो जब आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर नहीं है तो आप लोग वेट कर सकते हो। ठीक है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना इसके पर एक जल्द में वीडियो बनाऊंगा बीसीजी के ऊपर में, तो आप लोग वीडियो को जरूर वेट कीजिएगा। फ्रेंड, आगे बात करें तो आप लोग जब बीसीजी के फॉर्म पे क्लिक करोगे आपके सामने ऑप्शन देखने को आएंगे, इनिशियल बीसीजी फिल, बीसीजी फॉर्म, अपलोड बीसीजी डॉक्यूमेंट और कन्फर्म बीसीजी डॉक्यूमेंट्स। बेसिकली आपके यहाँ पर 4 स्टेप होते हैं। इनिशियल आपका कंप्लीट हो जाता है, फिल बेसिकली इसमें आपका सर डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको सबमिट करने पड़ते हैं, लाइक आपका जो पासपोर्ट होता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10, 12 जितने भी आपके सर्टिफिकेशन होते हैं वो आपके यहाँ पर अपलोड करने पड़ते हैं। इसके बाद आपको टीसीएस नेक्स्ट स्टेप और टीसीएस जो टीम होती है वो आपको वेरीफाई करती है। जैसे आप वेरीफाई हो जाता है आपको यहाँ पर देखेंगे तो कन्फर्म बीसीजी डॉक्यूमेंट आपको क्लिक करना होता है। फिर आगे बात करें, जैसे आप लोग बैकग्राउंड चेक में जब आप लोग क्लिक करोगे यहाँ पर फिल बीसीजी फॉर्म, उसके बाद आपके सामने ऑप्शन इस तरह से आता है, जिसमें आपका इंस्ट्रक्शन, बेसिक डिटेल्स, एकेडमिक एंड अदर डिटेल्स एंड डिक्लेरेशन फॉर्म रहता है। बेसिकली आप इंस्ट्रक्शन में पढ़ोगे तो देखेंगे यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि दिस फॉर्म इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन, बेसिक डिटेल्स, एकेडमिक एंड अदर डिटेल, डिक्लेरेशन। फील्ड मार्क्ड विद स्टार इन दी सेक्शन आर मैंडेटरी, मतलब बेसिक डिटेल्स में आपके कुछ बहुत सारे ऑप्शन होंगे, एकेडमिक में बहुत सारे ऑप्शन होंगे, और ये बेसिक और एकेडमिक में बहुत सारे ऑप्शन होंगे, जिसमें आपका एस्ट्रिक होगा वो आपको कंप्लीट करना कंपलसरी है। फिर आगे बात करें, सम ऑफ द डिटेल्स इंटर्ड
बाय यू इन द टीसीएस एप्लीकेशन फॉर्म विल बी डिस्प्लेड। मतलब आपने जब टीसीएस में आप टीसीएस नेक्स्ट स्टेप में आप रजिस्टर किए होंगे तो वहाँ पर आप लोगों ने कुछ कुछ डिटेल्स फिलअप किए होंगे, वो भी डिटेल्स आपको जो बेसिक डिटेल्स में ऑटोमेटिक फिलअप आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको उसको एडिट करना है तभी जब आपको लगे कि मेरा जो बेसिक डिटेल्स में जो ऑटोमेटिक फील्ड हुआ रखा है वो गलत है, तो आप उसको आप सही कर सकते हो। बहुत लोगों का डाउट रहता है कि सर मैंने जो फॉर्म जो है गलती से कुछ अपने नाम वगैरह गलत कर दिया है, तो आप लोगों का पता होगा बेस्ट ऑप्शन शो होने के बाद आपको वहाँ पर शो नहीं करता। इसका आप क्या कर सकते हो, बीसीजी में आने के बाद अपने सारे के सारे नेम, फैमिली नेम, आपका जो भी कहीं करेक्शन करना होगा तो करेक्शन कर सकते हो। अगर आपको फिर भी कोई अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप लोग ilp.support@tc.com पर मेल कर सकते हो। उसके बाद आपको टू सेव एंड द डिटेल्स एंड नेविगेट द नेक्स्ट स्क्रीन एंड क्लिक एंड सेव टू सबमिट द फॉर्म, क्लिक सबमिट पीसीजी फॉर्म टू डिक्लेयर सेक्शन, प्लीज रिव्यू द डिटेल। मतलब आप लोगों को सबमिट करने से पहले एक बार आप लोग गो थ्रू जरूर हो जाइएगा कि आपने जो भी यहाँ पर सबमिट कर रखा है उससे आप लोग गलती ना करो। मैं इसके बारे में डिटेल्स वीडियो बना दूंगा, तो आप लोग को यहाँ पर कोई भी गलती नहीं करनी है। आगे हम लोग बात कर लेते हो, आप लोगों को पता होगा सर्टिफिकेशन डिटेल्स का ऑप्शन मिलता है। मैंने सर्टिफिकेशन डिटेल्स के ऊपर मैं एक वीडियो बना रखा है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं इसका लिंक अपने वीडियो के आई बटन में दे दूंगा, आप लोग वहां जाकर वीडियो को जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। बेसिकली आपका सर्टिफिकेशन डिटेल्स, बेसिकली मैं आपको शॉर्ट में समझाऊं तो सर्टिफिकेशन डिटेल्स होता है कि अगर देखो जब आप लोग यहाँ पर आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद आपके सामने बहुत सारे सर्टिफिकेशन आएंगे ड्रॉप डाउन मेन्यू में। अगर आपने ड्रॉप डाउन मेन्यू में अगर आपने किसी में भी अगर आपने सर्टिफिकेट करा होगा तो सबमिट कर सकते हो, अदरवाइज आप लोग छोड़ सकते हो। ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको सर्टिफिकेट, क्योंकि सारे के सारे सर्टिफिकेट का प्राइस बहुत महंगा होता है तो आप लोग उसे परचेस नहीं कर पाओगे क्योंकि ऑलमोस्ट 17,000-18,000 रहते हैं। तो आप लोगों को मैंडेटरी भी नहीं है आप लोगों को परचेस करना, आप लोग सिंपल आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शन एंड एक्सेप्ट पर क्लिक करके आप लोग नेक्स्ट करके सबमिट पर क्लिक कर सकते हो, आपको कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा। आगे बात कर लेते हैं, आप लोग देखो तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता होगा, वो है आपका ऑप्शन है आपका अपडेट प्रीफर्ड लोकेशन। इसका बेसिकली होता है कि आप अपना लोकेशन कहाँ देना चाहते हो। बेसिकली देखो ऊपर में लिखा हुआ है प्लीज इंटर योर प्रेफरेंस फॉर योर वर्क लोकेशन पोस्ट इनिशियल लर्निंग प्रोग्राम। आईएलपी का लोकेशन आपका क्या होगा बेसिकली वो आपको यहाँ पर बताना पड़ता है कि आपका पहला लोकेशन, दूसरा लोकेशन, तीसरा लोकेशन क्या होगा। तो इस चीज आप लोग बहुत लोगों का क्वेरी रहता है कि सर क्या हम लोग आईएलपी कैसे चेंज कर सकते हैं आफ्टर गेटिंग आईएलपी। अगर आपको आईएलपी में मेल आ गया है लोकेशन का तो आप लोग उसे चेंज नहीं कर सकते हो। अगर आप लोग चेंज तभी कर सकते हो जब आपका टीसीएस में 1 से 2 महीना 3 महीना फिर 1 ईयर हो जाता है, तो आप लोग टीसीएस के आपका जो पीआर टीम रहेंगे उसको आप लोग मैं रिक्वेस्ट करके अपने आईएलपी के सेंटर को चेंज कर सकते हो, बट स्टार्टिंग में वो आपका चेंज नहीं करेंगे। फिर आगे हम लोग बात कर लेते हैं आफ्टर ऑफर लेटर विथ सम डे यू विल रिसीव एक्सप्लोरर प्रोग्राम मेल। मतलब बहुत लोगों को एक्सप्लोर प्रोग्राम का मेल आता है, तो बेसिकली एक्सप्लोर प्रोग्राम के अंदर में आपको कुछ प्रोग्राम होते हैं जो आपको कंपनी में ज्वाइन करने से पहले आपको कंप्लीट करने पड़ते हैं, और ये इसमें आपका बेसिकली आपका 4 टाइप होते हैं, जावा, पाइथन, .NET, UI। बेसिकली जावा और पाइथन इस बार एक्सप्लोरर ने सेम रखा है, और .NET और UI आपका अलग अलग रखा है। इसमें स्पेसिकली इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप लोग मेरे चैनल पर जाकर जरूर चेकअप कर लीजिएगा। हम लोग आगे बात कर लेते हैं अब एक्सप्लोरर प्रोग्राम डिफरेंस फॉर पास आउट ईयर। अगर आप लोग फाइनल ईयर में हो तो आपको ये पहले आता है क्योंकि आप लोग का एग्जाम जो होता है वो अक्टूबर नवंबर में हायरिंग करना चालू कर देती है। तो फ्रेंड आप लोग का स्टार्ट या जल्दी हो जाता है, जो भी बीई बीटेक है उनका 7th सेमेस्टर में होता है, जो बीएससी बीसी वाले लोग उसे 3rd सेमेस्टर में होता है क्योंकि उन लोगों का 3 साल का ग्रेजुएशन होता है। तो फ्रेंड आप लोग को ये कंप्लीट करने का मौका मिलता है। हम लोग आगे बात कर लेते हैं तो TCS सेंड ज्वाइनिंग लेटर फॉर फाइनल स्टूडेंट आफ्टर कंप्लीशन ग्रेजुएशन। बहुत लोग डाउट होता है कि सर TCS हम लोग को ज्वाइन लेटर कब भेजे, क्योंकि देखो अभी तक आप लोग के पास सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं है। जब तक आप लोग कॉलेज से ग्रेजुएट नहीं हो जाते, जब तक आपके पास सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं हो जाते, TCS आपको अभी तक ज्वाइन लेटर सेंड नहीं करेगी। और अब हम आगे बात करते हैं एट द टाइम ऑफ TCS एक्सप्लोरर देर आर 3 टाइप्स ऑफ इन टेस्ट इन एक्सप्लोरर। मतलब बेसिकली आपके एक्सप्लोरर में 3 टाइप्स के आपको देखने को मिल जाते हैं टेस्ट। पहला आपका होता है देखेंगे तो IPA, दूसरा होता है CPA, थर्ड वन इज OPA। तो IPA बेसिकली क्या होता है, आई ऑन प्रोजेक्ट असेसमेंट, और इसका बेसिकली होता है इसमें आपका कोडिंग और MCQ के मर्ज क्वेश्चन आते हैं। बेसिकली आपको इसे कंप्लीट करना पड़ता है, ये जब कंप्लीट करते हो तो इसे कंप्लीट करके आपको यहाँ पर कुछ स्कोर वगैरह देखने को मिल जाते हैं, लेकिन इसमें आपका कोई इंसेंटिव वगैरह नहीं मिलता है। सेकेंड वन की बात कर लेते हैं CPA, तो CPA मीन्स होता है कैमरा प्रोजेक्ट असेसमेंट। बेसिकली आप इस एग्जाम को अगर क्लियर करते हो, अगर आपका स्कोर जो होता है अगर आपका 80+ होता है तो आपको यहाँ पर 60,000 के इंसेंटिव मिलते हैं, और आपका अगर स्कोर 55+ रहा तो आपको यहाँ पर 40,000 के इंसेंटिव देखने को मिल जाते हैं। फिर OPA जो होता है आपका ऑनलाइन प्रोजेक्ट असेसमेंट होता है, वो भी आपका बिल्कुल CPA जैसा ही होता है, लेकिन आपका OPA में कोई आपको यहाँ पर मनी देखने को नहीं मिल जाता है, इंसेंटिव देखने को नहीं मिलता है। बात करें तो OPA क्या होता है, तो दिस इज़ अ वन टाइप ऑफ मॉक टेस्ट होता है। बेसिकली इसमें आपका कोई ये नहीं मिलता है, ठीक है।
फ्रेंड्स आपका जो ओपीओ होता है वो आपका सेम होता है आपका, इसमें आपको कोई इंसेंटिव देखने को नहीं मिलता है। फ्रेंड आप बात कर लेते हैं व्हाट इफ़ एनी स्टूडेंट गो ज्वाइनिंग लेटर विदाउट गेटिंग ए स्टार्टिंग एक्सप्लोर प्रोग्राम। बहुत लोग ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं, स्टूडेंट होते हैं जिनको इस ज्वाइनिंग लेटर पहले आ जाता है लेकिन एक्सप्लोर प्रोग्राम का मेल नहीं आता और उन लोगों का एक्सप्लोर प्रोग्राम स्टार्ट नहीं भी होता है। तो उसमें क्या होता है, इफ़ यू डिडेंट गेट एक्सप्लोर प्रोग्राम देन हाउ द बैच ऑफ पासिंग आउट ईयर बैच, जो लोग पास आउट हो चुके हैं जिन लोगों का पास ज्वाइनिंग लेटर पहले आ गया एक्सप्लोरर प्रोग्राम के, तो उन लोगों को इंसेंटिव कैसे मिलेगा, तो मैं आगे बताता हूँ आपको। तो देखिए तो फ्रेंड आपको जब विदिन अ 2 to 4 days जब आप लोग कंपनी में चल जाती है, जो आपका ज्वाइनिंग डेट आ जाता है, जब कंपनी में चले जाते हैं उसके बाद आपको दो से तीन या फिर 4 दिन के अंदर में आपका एक एग्ज़ाम होता है जिसे हम लोग बोलते हैं IRA। IRA बेसिकली आपका इनिशियल रेडीनेस टेस्ट होता है, बेसिकली आपका लास्ट चांस भी बोल सकते हो इसको। इसमें बेसिकली क्या होता है, ये आपका सेम होता है IPA और CPA की तरह होता है, ये आपका लास्ट चांस होता है जिसमें आप लोग इनिशिएटिव ले सकते हो, ठीक है। ये आपको एग्ज़ाम देना ही पड़ता है, ये कंपलसरी होता है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं, अगर आप लोग IPA जो आप मैंने बताया अभी IRA में, अगर आप लोग IRA में 80 प्लस स्कोर करते हो तो आपको 60,000 मिलता है, अगर आप 55 प्लस फिल करते हो तो 40,000 मिलता है। यू विल गेट इनिशिएटिव विद इन 1 month, मतलब अगर आप लोग जब आप ये क्लियर कर लेते हो तो आपके पहले मंथ के अंदर में आपको ये सारा कुछ आपको सैलरी देखने को मिल जाता है। आगे बात करते हैं तो फिर आफ्टर गोइंग टू द कंपनी ऑल स्टूडेंट विल डिवाइड इनटू 2 कैटेगरी, मतलब आप लोग जब कंपनी में चले जाते हो उसके बाद आपको 2 कैटेगरी में बटा जाता है। पहला कैटेगरी होता है आपका XP, दूसरा होता है बीज। ये दोनों डिपेंड करता है आपके IRA, CIPA, CPA के IRA, IPA और CPA के ऊपर में। देखो IRA बेसिकली उन लोगों के लिए जिन लोगों का एक्सप्लोरर प्रोग्राम मेल नहीं हुआ है, और IPA, CPA उन लोगों के लिए जिन लोगों ने पहले ही अपना एक्सप्लोरर प्रोग्राम कंप्लीट कर रखा है। दोनों मिलाकर अगर IRA में जिन लोगों ने कंपनी में आने के बाद IRA एग्जाम देके स्कोर करा है उन लोगों का XP मिलता है, और जिन लोगों ने जो लोग पहले ही IPA CPA में 80 प्लस स्कोर कर चुके हैं उनको भी XP मिलता है, जिन लोगों ने लेस करा है उनको बीच कैटेगरी के अंदर में रखा जाता है। आगे बात कर लेते हैं फॉर हु गेट लेस देन 80 मार्क्स इन IPA CPA IRA देन टीचर्स विल प्रोवाइड 1 ट्रेनिंग इन अ ग्रुप। आप लोगों को अगर मान लो कि आप लोग का अगर स्कोर कम आता है IPA CPA और IRA में, लेकिन जो लोगों का अभी जो लोग फाइनल ईयर के लोग होते हैं उन लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी रहता है कि वो लोग हर मंथ एक से दो महीने के अंदर में वो लोग अपना बार बार CPA एग्जाम देके अपना स्कोर को जो है 80 पर स्कोर कर सकते हैं। लेकिन जो लोग ऑलरेडी कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं उन लोगों के पास ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, इसलिए आप लोग को जो TCS है वो आपको प्रोवाइड कराती है। लेकिन दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर द स्टूडेंट्स हु आर ऑलरेडी कंप्लीटेड द एक्सप्लोर प्रोग्राम एंड डिडंट स्कोर वेरी वेल, ओके। देन ऑल द स्टूडेंट गेट अंडर गोइंग टू द ट्रेनिंग ऑफ 15 and 25 days, ओके। आप लोगों को ट्रेनिंग होता है 15 से 25 दिन के लिए ताकि आप लोग IPA CPA IRA एग्जाम में 80 प्लस स्कोर कर सको। फॉर हु गोट देन मोर देन 80 मार्क्स इन IPA CPA IRA एग्जाम दे विल प्रोवाइड टीचर प्रोवाइड विद ट्रेनिंग ऑफ 6 to 9 days का आपको ट्रेनिंग देखने को मिल जाता है। लेकिन ये ट्रेनिंग और आपका जो लेस देन 80 ट्रेनिंग है दोनों में डिफरेंस होता है। जो लोग 80 प्लस स्कोर लाते हैं उन लोगों का ट्रेनिंग थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि उन लोगों का जो है अब प्रोजेक्ट एलोकेशन चालू हो जाता है, लेकिन जिन लोगों का लेस आता है उन लोगों को वहां तक पहुंचाया जाता है। जब तक आपका 80 प्लस स्कोर नहीं आता तब तक आपको जब तक आपको TCS को जो है आपको ट्रेनिंग देती रहेगी, तो आप लोग यहां पर दिक्कत लेने की कोई बात नहीं है। आगे बात कर लेते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग द ट्रेनिंग देन TCS अगेन कंडक्ट 1 exam कॉल्ड PRA। बेसिकली PRA क्या होता है, जब आप लोग IRA में भी अच्छा स्कोर नहीं कर पाते तो TCS आपका एक एग्जाम करवाती है जिसको हम बोलते हैं PRA, जिसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट रेडीनेस असेसमेंट। देखो ये आपका एग्जाम जो होता है हर एक बंदे के लिए कंपलसरी होता है एग्जाम क्लियर करना। अगर आप लोग इसे क्लियर नहीं करते तो आपको TCS की तरफ से कोई प्रोजेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको प्रोजेक्ट देखने को नहीं मिलेगा तो आप लोग ऐसे ही खाली बैठे रह जाओगे और आप लोग अपना IPA CPA एग्जाम देते रह जाओगे। इसलिए आप लोगों को PRA एग्जाम क्लियर करना कंपलसरी, और इसमें आपको 80 प्लस स्कोर लेके आना कंपलसरी है, और ये आपका प्रोजेक्ट एलोकेशन में काम आता है। फॉर PRA प्रोजेक्ट रेडीनेस असेसमेंट एग्जाम इट इज मैंडेटेड टू क्लियर एंड गेट स्कोर ऑफ 80 प्लस स्कोर। आगे हम लोग बात कर लेते हैं इफ़ यू फॉल PRA, अगर आप लोग फेल हो जाते हो तो फिर आपको TCS जो होती है वो 7 to 10 days के अंदर में आपको फिर से ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती है। लेकिन जब तक आप लोग TCS के जितने भी एग्जाम होते हैं 80 प्लस स्कोर नहीं लाते हो TCS तब तक आपका एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराती रहती है ताकि आप लोग उस प्रोजेक्ट के काबिल बन जाओ, क्योंकि TCS के पास जो प्रोजेक्ट आते हैं वो काफ़ी हाई लेवल के आते हैं और उसमें आपको नॉलेज आपको होनी चाहिए। आगे बात करते हैं फिर आफ्टर क्लियरिंग PRA प्रोजेक्ट रेडीनेस असेसमेंट एग्जाम, उसके बाद क्या होता है आपको कॉल आता है RMG। RMG बेसिकली क्या होता है आपका रिसोर्स मैनेजमेंट ग्रुप होता है, जो बेसिकली आपका TCS में ग्रुप होता है, जो बेसिकली कंपनी के अंदर में आपको क्या होती है हर एक एम्प्लॉय को प्रोजेक्ट डिवाइड करती है। अब ये मत सोचना कि सर मैंने तो एग्जाम मेरा तो 80 प्लस स्कोर आ गया है अब मैं CPA एग्जाम नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि अभी बहुत लोगों का एग्जाम जो है बहुत लोगों का 80 प्लस स्कोर आ जाता है। तो आप लोग ये सोचते हो कि मैं एग्जाम तो आ गया मैं अब छोड़ दूंगा, मैं डायरेक्ट TCS में जाकर मैं प्रोजेक्ट में काम करूंगा। आप लोग का ऐसा नहीं होता है। जब आप लोग को अभी
पढ़ना चालू कर, आप लोगों को पढ़ते रहना है, आपका जो एक्सप्लोर प्रोग्राम है, जो भी आप लोग कोर्सेज दिए गए हैं उसको आपको कंप्लीट करना है। तभी आप लोग को जब कॉल आएगा RMG की तरफ से, तब क्या करेगी आपसे वो कॉल करके पूछती भी है आपने किस टेक्नोलॉजी के ऊपर में काम कर रखा है। अगर आपने सर्टिफिकेशन डिटेल्स में अगर आपने कुछ सर्टिफिकेशन लाइक कोर जावा का, जावा और एक्कल के बारे में अगर आपने ऐड कर रखा है, तो बेसिकली आपको TCS उसी से, उसी प्रोजेक्ट से पूछ सकती है और आपके रिज्यूमे को भी देखती है। अगर आपके रिज्यूमे में आपने कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी को मेंशन कर रखा है तो आपका उस पर वो डिपेंड नहीं करता, लेकिन आपसे वो RMG जो टीम होती है आपसे पूछती है उसके बारे में कि आप सर आपने जो मेंशन कर रखा है रिज्यूमे में और जो आपने सर्टिफिकेशन डिटेल्स डाल रखा है कि आपको ये सारे के बारे में नॉलेज है सर, तो आपसे वो लोग कुछ सवाल पूछते हैं और आपको उस सवाल का आंसर देना पड़ेगा। दोगे तभी, जैसे मैंने आपको पहले अपने हर वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि देखो आप बात आ चुका है प्रोजेक्ट एलोकेशन का, तो ये डिपेंड्स आपको दो फैक्टर पर करता है। पहला फैक्टर होता है आपका सर्टिफिकेशन डिटेल्स। अगर आपने सर्टिफिकेशन डिटेल्स में लेट सपोज आपने अगर ओरेकल डाल चुके हो तो ओरेकल का ही आपको प्रोजेक्ट मिलेगा, लेकिन उससे पहले आपसे RMG कुछ क्वेश्चन पूछेगी ओरेकल के ऊपर में, ठीक है। अगर आपने सर्टिफिकेशन नहीं कर रखा होगा, अगर आपने रिज्यूमे में कुछ मेंशन कर रखा होगा तो रिज्यूमे को देख के भी आपको जो है वो दे सकती है। और हाँ, और जब जिस तरह से आपका जो परफॉर्मेंस रहा है PRA में उसके ऊपर भी डिपेंड करता है आपका प्रोजेक्ट एलोकेशन, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड होप करता हूँ कि ये सारा जो इन्फॉर्मेशन था ये बनाने में मुझे ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटे लग गए हैं, सारे भी इसमें मेहनत कर रहा था, मैंने बहुत लोगों से कॉल पर बात करा और तब जाके ये मेरा जो पूरा एक ये पूरा जो मेरा 27 पेज का जो मेरा कंप्लीट हुआ है। फ्रेंड होप करता हूँ कि ये जो वीडियो है ना आप लोगों को काफ़ी हद तक इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मैं इस वीडियो को रो रखना चाहता था ताकि मैं आप लोगों को एक अच्छे से इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। अगर आप लोग ट्राई कर सके इस वीडियो को शेयर करने का तो मेरी तरफ से मेरा बहुत हेल्प होगा ताकि लोग इसे जान पाएंगे कि हाँ क्या क्या प्रोसेस होते हैं। तो फ्रेंड इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। आपके माइंड में कोई भी डाउट रहेगा तो मुझे एक बार कमेंट करके जरूर पूछिए, मैं ट्राई करूँगा आप लोगों का रिप्लाई देने का। तो फ्रेंड होप करता हूँ वीडियो को अच्छी लगी, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। टिल देन जय हिंद जय भारत।